इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम् यनसु ज्ञानं विज्ञानं सहितं यक्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् यक्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् ओम शांति सभी गीता प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम भगवान वाचा कार्यक्रम में आपको फिर से स्वागत है सुस्वागत है गीता मेरे लिए क्या संदेश देता है मेरा जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसा ज्ञान देते हैं इस सत्य को पहचानने के लिए जानकारी देने के लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति सरोवर हैदराबाद यह कार्यक्रम आयोजित किया है अभी हम विषय पर जाते हैं पिछले दो कड़ी में हमने नवे अध्याय दूसरा श्लोक में जो वर्णित आठ विशिष्टताओं पर हमने नजर डाला है उसको थोड़ा ब्रीफली रिकैप करते हैं पहला है राजविद्या ये राजविद्या क्या अर्थ होता है दुनिया में इस ब्रह्मांड में जितने भी धार्मिक या आध्यात्मिक कहो सर्व विद्याओं में राजा जैसा विद्या श्रेष्ठ विद्या अर्थात इससे बढ़कर कोई दूसरा विद्या नहीं है इतना महानता हम तब जान सकते जब गीता का जो गुह्यता को हम पहचाने जैसा राज गुह्य कहा दुनिया में जितने भी गुहयता है रहस्य है उससे सबसे बहुत बड़ा रहस्य खुलासा श्रीमद् श्रीमद गीता में है राज गुहिया कहा ये दोनों से हमको क्या प्राप्त होने वाला है आत्मा का शुद्धता पवित्रम कहा तीसरा उत्तम कहा चौथा इससे उत्तम दूसरा शास्त्र कोई भी नहीं है पांचवा विशिष्टता प्रत्यक्षावगम इससे हमको क्या मालूम हुआ ये जीवन में प्रत्यक्ष उतारने की ज्ञान है अनुभव करने की ज्ञान है न कि पढ़ने पारायण करने या सुनने व प्रचार करने की और छठा धर्म्यम कहा धर्म मार्ग पर हमको ले जाती है अभी तो दुनिया पूरा धर्म मार्ग में चल चल रही है ऐसा हम समझते फिर धर्म मार्ग में ले जाने वाला एक ही शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता सुसुखम करतुम इसको जीवन में धारण करने में कुछ कष्ट होता है क्या भगवान कहता है इसको जीवन में लाने के लिए बहुत आसान है कोई कष्ट नहीं है और जब धारण करने का समय हमको बहुत सुख का महसूस आखिरी में कहा अव्येयं कहा अव्ययम ज्ञान अविनाशी है ये नाश होने वाली ज्ञान नहीं है अर्थात आत्म अनुभव के माध्यम से जब इस ज्ञान को जीवन में अनुभव करने का प्रयास करते हैं वह ज्ञान थोड़ा भी जाना ज्ञान नाश नहीं होता उसका फल आपको अवश्य मिलता है यह है आठ विशिष्टताएं हमने पिछले दो कड़ी में जाना है आज का एपिसोड में हम सात विशिष्टताओं को चर्चा करने वाले हैं दो श्लोकों में जो भगवान ने वर्णन किया है वह श्लोक क्या है सातवा अध्याय दूसरा श्लोक और दसवा अध्याय बत्तीसवा श्लोक पहले दो श्लोक सुनेंगे इस दो श्लोकों को हमको इकट्ठा सुनने से ही इस दो श्लोकों में जो गहरी विषय है गहरी राज है तत्व है उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वानेह भूयोन्यत ज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञातव्यमवशिष्यते मध्यं चैवाहमर्जुना सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुना अध्यात्मविद्या प्रवदताम् अध्यात्म विद्या विद्याना वादह प्रवदताम् तो विसात विशिष्टताओं को जानने का प्रयास करते हैं पहला विशिष्टता ज्ञानम् तेहम् सविज्ञानम् मैं केवल ज्ञान ही नहीं देता हूँ बल्कि इस ज्ञान को जीवन में कैसा उतारना है वह विज्ञान उसको विज्ञान कहते हैं अंग्रेजी में विजडम कहते हैं उस विज्ञान को भी मैं देता हूँ यह ज्ञान और विज्ञान दो शब्द है हमने हर एपिसोड का पहला टैगलाइन श्लोक जो होता है ना इदम तुते गुह्यतम उसमें ज्ञानम विज्ञान सहितम कहा सो ज्ञान और विज्ञान के जिक्र हर एक एपिसोड में पहला वो श्लोक में हम सुन रहे हैं अभी हमको जानना होगा ज्ञान का सच्चा परिभाषा क्या है कहां मिलेगा? हमको इसका सच्चा परिभाषा कहाभाषा अध्याय बत्तीसवा श्लोक में जो तीन विशिष्टताओं का वर्णन है उसमें दूसरा विशिष्टता भगवान ने कहा है सर्व आध्यात्मिक विद्या हूं अध्यात्म विद्या विद्या शब्द से है अभी आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है इसमें तीन मुख्य विषय होता है पहला है स्वयं का ज्ञान हम कौन है हमने जाना है मैं आत्मा हूं या शरीर मेरा है यह पहला पार्ट है दूसरा पार्ट है जैसा शरीर का माता और पिता रहते हैं वैसा ही आत्माओं का भी माता और पिता रहेगा इसीलिए हमने गाते रहते हमारा प्रार्थनाओं में त्वमेव माता च पिता त्वमेव यह भगवान को ही माता पिता कहते हैं जैसा आत्मा नहीं दिखती है आत्माओं का माता पिता भी नहीं दिखता है इसीलिए भगवान को परम पिता परम आत्मा कहते हैं परम आत्मा कहते हैं तो ये परमात्मा का ज्ञान ये दूसरा पार्ट है और तीसरा पाठ है सृष्टि चक्र का ज्ञान अभी सृष्टि चक्र का एक पिक्चर भी आपको दिखा रहे हैं इससे हमको मालूम होता है कि इस सृष्टि चक्र में चार युग होता है हमको मालूम है कृत युग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग। इस चार युगों में ये आत्मा जो अविनाशी आत्मा है शरीर के माध्यम से कैसा भ्रमण करता है और परमात्मा कब इस सृष्टि चक्र में आते हैं तो इसका संपूर्ण ज्ञान जो होता है पार्ट थ्री इस तीन विषयों को कहते आध्यात्मिक ज्ञान अभी हम पहला विशिष्टता पर आएंगे ज्ञानम तेहम सविज्ञानम तो यह आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं परमात्मा ने और इस ज्ञान को जीवन में कैसा उतारना कैसा धारण करना कैसा अनुभव करना इसको विज्ञान कहा जाता है विज्डम कहते हैं अंग्रेजी में यह भी परमात्मा सिखाते हैं और दूसरा विशिष्टता अहम वक्श्यामी ऐसा शब्द है अहम माना मैं वक्ष्यामी माना कह रहा हूं इसका इसमें क्या राज हमको जानने में आ रहा है अहम माना मैं ना भगवान एक है भगवान एक है अभी इसको भी हमने बहुत स्पष्ट रीति से जानने का बहुत आवश्यक है क्योंकि आज की दुनिया में भगवान एक है भले विश्वास रखते हैं, लेकिन उस भगवान का नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य और संबंध यह पूरा जानकारी हमको केवल गीता में ही मिलता है वो नहीं जानते इसको हम आने का एपिसोड्स में बहुत डिटेल्ड में हम चर्चा करने वाले हैं और तीसरा विशिष्टता जो सातवाद्या दूसरा श्लोक में दिया गया है क्या है वह अशेषेना अशेषेना माना क्या है कोई शेष नहीं है संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान मैं दे रहा हूं यह विशेष है अभी दुनिया में कोई भी साधु संत ऋषि मुनि जिनके पास भी आप जाओ ये संपूर्ण ज्ञान वह नहीं देते है थोड़ा ही ज्ञान देते है परंतु भगवान क्या कह रहा है मेरे में जितना ज्ञान है वह संपूर्ण ज्ञान मैं मेरे बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ सभी मनुष्यात्माओं के लिए ये आठ सौ करोड़ मनुष्यात्माओं के लिए मैं बांट रहा हूँ ऐसा कह रहा है अशेषतः मना अभी मन में एक प्रश्न उठता है ये संपूर्ण ज्ञान क्या होता है जो परमात्मा में अंदर है वो संपूर्ण ज्ञान क्या होता है इसका समाधान हमको दसवाध्याय अध्याय वर्ष श्लोक में हमको पहला विशिष्टता जो है क्या है वो दसवाध्याय अध्याय वर्ष श्लोक में सर्गाणाम आदिअंत मध्यम चैवाहम अर्जुना सर्गाण मन सृष्टि आदि मध्य अंत सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत ये सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान मेरे में है मैं सभी को मैं दे रहा हूं ये है ये संपूर्ण ज्ञान माना सृष्टि के आदि मध्य अंत इसका अर्थ हमने चर्चा किया है सत्य त्रेता द्वापर कली में कैसा आत्मा शरीरों को चेंज करते हुए कैसा भ्रमण करता है परमात्मा किस समय धरती पर आता है तो इसका संपूर्ण ज्ञान इसको कहते हैं अशेषता तो यह ज्ञान परमात्मा ने हमको देते हैं और अध्याय में आखिरी विशिष्टता जो है यज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यम यज्ञात्वा अर्थात यह ज्ञान और विज्ञान जब आ, आपका जानकारी में आता है यह ज्ञान और विज्ञान आपका जानकारी में जब आता है तब इस दुनिया में कोई अन्य ज्ञान को ढूंढने का जरूरत नहीं है परमात्मा कह दिया है क्योंकि संपूर्ण ज्ञान है इसीलिए कहा है सृष्टि का आदि मध्यंत पूरा ज्ञान देने के बाद और क्या ज्ञान हमको चाहिए हमने चार विशिष्टताओं को जाना है दसवा अध्याय बत्तीसवा श्लोक में दो विशिष्टताओं को जाना है और सातवा विशिष्टता है दसवा अध्याय बत्तीसवा श्लोक में आखिरी पंक्ति में कहा है क्या हमने जो परमात्मा ने या भगवान ने जो दिया और ज्ञान और विज्ञान को ऐसा ही हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कोई चर्चा नहीं करना चाहिए बुद्धि नेत्र को उपयोग चाहिए नहीं चाहिए बुद्धि नेत्र को खोल करके इसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए थोड़ा सोचने के विषय है इसका समाधान भगवान ने इस पंक्ति का द्वारा दे रहा है भगवान कहता है अंधविश्वास को छोड़ो ये अंधविश्वास मूढ़ विश्वास ये शरीर मई शरीर समझ कर ऐसा चलने से ये होता है इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा तो इसीलिए परमात्मा कहता है इसको डिबेट करो चर्चा करो बुद्धि नेत्र खोल करके इसमें क्या गहरी राज परमात्मा ने बता रहा है मेरा जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं इस ज्ञान और विज्ञान को कैसा हमने जीवन में धारण करना इसको हमको समझने के लिए परमात्मा कह रहा है इस पर डिबेट करो वाद प्रवदताम अहम किया लास्ट पंक्ति में सो इसका वादों में वादों में मैं वाद हूं कहा कितने प्रकार के डिबेट्स है आप गूगल में टाइप कीजिए आपको जानकारी में आता है तीन प्रकार का डिबेट्स होता है एक जो होता है वाद दूसरा होता है जल्प और तीसरा जो होता है वितंड ये वाद क्या होता है सच्चाई जानने के लिए जो डिबेट करते हैं इसको वाद कहते हैं इसीलिए परमात्मा ने क्या कहा सर्ववादों में मैं वाद हूं कहा और दूसरा टाइप ऑफ डिबेट को क्या करते है? जल्प कहा जल्प माना क्या है ये सच्चाई को जानने के लिए नहीं है एक दूसरे से मैं बड़ा हूं मैं जो कह रहा हूं वो बड़ा है आप जो कह रहे हैं ये गलत है ये आर्ग्यूमेंट्स में जाने का डिबेट जो होता है इसको जल्प कहते हैं और तीसरा है इसको वितंड कहता है वितंडवाद ऐसा कहते हैं वितंड माना हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं आपस में आर्ग्यूमेंट बहुत तेजी से चलता है सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं ये सब्जेक्ट को बाहर चर्चा करना होता है ये वितंड होता है तो परमात्मा ने स्पष्ट किया है मैं सर्व वादों में मैं वाद हूँ मैं जल्प नहीं हूँ मैं वितंड नहीं हूँ जो भी आर्ग्यूमेंट्स में जाना चाहता है जो भी वितंड में जाना चाहता है उसका समाधान गीता में आपको नहीं मिलता है परंतु सच्चाई जानने के लिए आपको सभी प्रश्नों का संपूर्ण रीति से समाधान आपको ये पाँच श्लोक भगवान वाचा में मिल जाता है यह है ये तीन डिबेट टाइप्स ऑफ डिबेट्स में वाद परमात्मा ने कहा वाद के आधार से ही सच्चाई को जान सकते हैं तो हमने ये सात विशिष्टताओं को जाना है पुनः एक बार समराइज करते हैं पहले कहा यह आध्यात्मिक ज्ञान है इस ज्ञान को विज्ञान में कैसा परिवर्तन करना नॉलेज को विजडम में कैसा परिवर्तन करना यह पहला विषय भगवान ने बताता है गीता का आधार से दूसरा जो है भगवान एक है क्योंकि भगवान कह रहा है मैं कह रहा हूँ तो दूसरा विशिष्टता क्या है गीता का जो ज्ञान देते हैं भगवान एक ही है वही गीता के माध्यम से हमको ज्ञान का बंटवारा करते हैं और तीसरा विशेषता है अशेषतः माना संपूर्ण ज्ञान देते केवल भगवान ही ऐसा कह सकता है चौथा है ज्ञान क्या होता है आध्यात्मिक ज्ञान होता है दसवा अध्याय बत्तीसवा श्लोक में देखा है और यह संपूर्ण ज्ञान क्या होता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है तो भगवान ने क्या कहा है सातवा अध्याय दूसरा श्लोक में आखिरी विशिष्टता ज्ञान और विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल विजडम ये संपूर्ण रीति से आपको जानकारी होने के बाद इस ब्रह्मांड में कोई तीसरा ज्ञान का जानने का या ढूंढने का दरकार नहीं है बहुत बड़ा खुलासा है और आखिरी में कहता है इसको जैसा मैं कहा वैसा समझने का विषय नहीं है इसको डिबेट करो अंधविश्वास में नहीं जाना है मूढ़ विश्वास से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इसीलिए इसको डिबेट करो डिबेट्स तीन प्रकार के होते हैं वाद प्रवदता महम सर्व वादों में मैं वाद कहा सो सच्चाई जानने के लिए जो भी आपको प्रश्न उठता है मन में उसका समाधान गीता में मिलता है यह है इस कड़ी में हमने सात विशिष्टताओं को जाना है हमने ज्ञान के बारे में जाना है विज्ञान के बारे में जाना है अज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम अगली कड़े में चर्चा करते हैं तब तक के लिए नमस्कार लोका समस्ता सुखिनो भवंतु ओम शांति